आंगनवाड़ी वृत्त केंद्र गरली में गुरुवार को मंडल स्तरीय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व कन्या भ्रूण हत्या के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत प्रधान तिलक राज की अध्यक्षता में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट CDPO परागपुर प्रवीण कुमार ने शिरकत की। इस मौके पर जहां CDPO प्रवीण कुमार, पंचायत प्रधान तिलक राज व महिलाओं ने हाथों में बैनर लिए गरली बस स्टैंड से स्थानीय बाजार तालाब रोड से होते हुए गरली गर्ल्स स्कूल तक रैली निकाली गई। इस रैली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व कन्या भ्रूण हत्या सहित कई तरह के नारे लगाते हुए लोगों को जागरूक भी किया गया। इस अवसर पर विजय कुमार, पर्यवेक्षक परागपुर संदीप कुमार, पर्यवेक्षक गरली श्रेष्ठा चौधरी, 16 आंगनवाड़ी केंद्रों की महिला कार्यकर्ताओं, महिला मंडल व क्षेत्र की महिलाओं ने भाग लिया। जी, हमने आज यहाँ पे जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जो है वो गरली में एक रैली का आयोजन किया है, जो कि बस स्टैंड गरली से लेके यहाँ तालाब से होते हुए नीचे गरली स्कूल गर्ल्स स्कूल तक जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारा समाज में लड़कियों का 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें सेक्स रेशो जो है वो गिर रहा है। अगर हम 2011 और 2001 के सेंसस को देखते हैं तो उसमें ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड चला हुआ है, तो उसके समाज पे बुरे प्रभाव ना पड़े इसलिए हम समाज को यहाँ जागृत करने के लिए लड़कियों के जो है उनके साथ किसी प्रकार की भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गरली से रक्षपाल शर्मा की रिपोर्ट।